न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां विगत कुछ दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए रीवा में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विशेष तौर पर त्योहारों में सामाजिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ने की नीयत से विशेष समूह के द्वारा उपद्रव किया जाता रहा है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेताया कि अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वह देशव्यापी आंदोलन करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। जय श्री राम। विषय ये है कि अब बहुत हो गया, कोई भी त्योहार हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चिन्हित कर करके हमारे त्योहारों के ऊपर समय समय में देश भर में दंगे होते हैं, कहीं हमले होते हैं, कहीं कुछ हो सकते हैं। क्या हिंदुओं के देश में आज ये स्थिति आ गई कि हम अपने दुर्गा माता की पूजा नहीं कर सकते हैं? इस तरह होगा यहाँ देश में? शुक्रवार को मस्जिद से चेतावनी दे दी जाती है, धमकी दे दी जाती है और हजारों लोग सड़कों में उतर जाते हैं, हम नहीं उतर सकते क्या? प्रशासन को ये आज हम बताने आए हैं, चेताने आए हैं कि अब बस, अब बहुत हो गया। यदि इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेंगी, इस प्रकार के जो भी संगठन हैं जो देश में हमारे भारत देश को इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पर दंगे कर रहे हैं, अगर आप उन्हें नहीं रोकोगे तो अब हम रोक देंगे। हम लोग यहाँ सारे बजरंगी भाई हमारी युवा इकाई है, इसके द्वारा अभी हमने कलेक्टर महोदय के प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। जो त्योहारों द्वारा जो लगातार अरे देश भर में जो भी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, इसके लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया,